अरे भैया अब सुलोचना ने अनुमान लगाया कि राम का दूत है, अंजनी का पूत है। सुलोचना के रिश्तेदारी खुल गए, नातेदारी कौन खुल गए मालूम? सुलोचना के जीजा के थोड़ा गाढ़ा जोर नहीं पाई थोड़ा। अभी हनुमान आए कौन? सुलोचना दिमाग यू अम्मा लोग खूब जोड़ लेती हैं। हमारे नंदोई के रे भैया के रे भतीज के रे फूफू के नाती के रे पोता के रे भैया आए अतना जोड़ लेती लंबे से। हम नहीं जोड़ पाई तमाशा, हमका डायरेक्ट ये कोई अर्थ बनते है बस, ज्यादा उल्लू बल्लू नहीं, साढ़ू दीदी और जीजा बस, चाहे जी का घोर पी जा मतलब यही रिश्तेदारी। तो सुलोचना ने अनुमान लगाया कि ये मेरी बहन, ये मेरे जीजा के दामाद का दूत है। अब बताओ कहां सुलोचना? लंका में हां, और कहां? जनकपुर। लेकिन सुलोचना ने विचार किया हमारे जीजा, जहां जीजा का नाम आया जात तो महिमा पानी आए जात, महिमा पानी आए जात। भगवान भजन क्या कोई वक्त नहीं है, दिनमा राम भजन ए कहते हैं राम भजन ते बड़े सयाने और ठाढ़े बैठे परे उताने। राम भजन चाहे खड़े लियो चाहे बैठ लियो चाहे पहुड़ लियो, भगवान कहते हैं कि तू हमारा भजन कर। एक भक्त रहे हो काम बहुत करते रहे लेकिन भगवान का भजन कर एक टाइम नहीं पावे, तो जब लेटरिंग जाए तब जपाए, जब जब लेटरिंग बैठे। अब तो लेटरिंग कोई जाता ही नहीं, अब तो सबके घर में वह तो ठौरे वह तिर खाली दुई अंगुर पट्टी है, इत्र खाना बन रहा है और इत्र पर लेटरिंग बनी है, खाली दुई हाथ के बीच है। तो अब तो सब खाना उपा खाना यक्के में है नहीं, तो वो जब लेटरिंग जाए तो वो जब बैठे वो खेतवा में यहाँ तब वो यहाँ मुहि से जपाए राम राम जपाए, या रोज जपाए भगवान की भक्ति तब हो खुश, या दिन जपाए लाग तो कौन निकरा तो देखे का ये सरव लेटरिंग फिर रहे राम राम जप रहे। उका लाग गुस्सा कहा लाग सरव लेटरिंग हमरे भगवान बोला तो गंदगी उठा कर डीला और अतना बड़ा क्या मारिश बंगाएगा, तो जब डीला बंगाएगा मारिश तो अब बताओ डीला नहीं पहुंच पावा। और कहते हैं भगवान आए गए हुमस दौरी के यहाँ और भगवान खड़े हो गए, तो भगवान करे जहाँ पर वो सोच के मारिश रहे हुए पर भगवान करे कर यहाँ अब धरी बैठ। भगवान हुआ कल हैं नारद बाबा पहुँचे, नारद बाबा पहुँचे भगवान कहे लग लाओ तनी काल है नूरा मिंट लो लगाए। तो कुमड़ी बोली रुको नूरा मिंट कहे ले। नारद बाबा कहे लग का होएगा भगवान? कहे लग होएगा का यार हमारे एक भक्त जाप करते रहो लेटरिन गवा रहा है हमारे नावल हिस द्वासर एक वैधा दौरा, तो वो डीला मार दी, तो वो डीला अगर उइके लाग जा तो हमारे नाव भूल जाते और वैसे उइके भर गिर जा तो माटी उखा जाते। तो हम सोचे हमारे लागे उइके ना लागे मारिश यदा सब गुरिया ढील हो गए हमारे। बताओ ये उनका नाव कहाँ है? उनका सब गाँव भर यहा है कहा लाग हग्गा भगत हग्गा भगत यह है जब उनका नाव। बताओ आज लेटरिंग हम गवा नाव जपिस तो वह क्या हम पंच नाव नहीं रहन, तनको धर्म काम छुके देखो नाम रोशन रही भैया, अच्छे लोगन भलमा बैठ के देखो आप खुशबू दिया हो हैं, खुशबू दिया हो खुशबू। वो फूल बेकार है जीमा खुशबू न हो, वो फूल बेकार है जीमा खुशबू न हो, और वो किसान बेकार है जी के कपड़म चाहिए तो यहाँ बदबू न हो। हाँ मेरे भैया हनुमान जी महाराज तो विभीषण जी रात में जाप करें। एक दिन की बात रावण ने उठाया तलवार, विभीषण जी के ऊपर शंका थी, विभीषण जी के ऊपर रावण को शंका थी कि शायद यही हमारे दुश्मन का नाम लेता है, यही हमारे दुश्मन का नाम लेता। रावण लिए नवकरण को लेकर तलवार घूमने लग गया, विभीषण के दरवाजे पर देखा पल्ला बंद राम लिखा, मारी लात भड़ाम मदे। ए विभीषण दरवाजा खोल, तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण जी समझ गए कि आज रावण के हाथे मारे गए, और जब इतना बड़ा गांव है इमा कोनो ओपन नहीं है खाली अकेल हमन वह हमान रहुआ। विभीषण जी कुआ भैया
गांव कर कोई जैसे निवासी हो यहाँ कर अधिवासी वही का कोई मारे लगे तो दो चार आदमी मिल जाए। और कोई बाहर क्या रहुआ मिला हो जैसे रहुआ तो वो अगर पावरदार पौवादार नहीं है गरीब है तो कहू का गुजारा हो ही। जब लड़े हैं तो गांव भर लड़े हैं गांव के कुतवा हो तो कोई ना कोई छोड़ाए दी दो चार कुतवा और मिल जाए। और कोई बाहरी कुतवा आएगा वहां तो गांव भरे कुतवा तो का जुटी है ना अच्छे खाते ना है तो ये भैया बाहरी कुत्ता से बचो। विभीषण महाराज विचार की आज मारे गए लेकिन विभीषण जी निकले दरवाजा खोल दिया। विभीषण जी एक पल्ला खोल दिया नौकर दिखाई पड़े दूसरा पल्ला खोल दिया। अब राम अलग हो गया। रावण ने कहा विभीषण तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण सुचिनी का बकौबू ठीक। विभीषण कहा लग भैया को कहा थे हम दुश्मन का नाम लीत। अरे जिसका अन्न खाते हैं जिसके राज में रहते हैं जी के भाई है उसका नाम ले आप। बोला ये क्या लिखा है देख दुश्मन का नाम लिखा कि नहीं लिखा। तो विभीषण कहा लग भैया अच्छा दो ही अक्षर लिखे हैं तीसरा तो नहीं लिखा है और दोनों अक्षर का अगर मतलब बता दी तब तो मनी हो। रावण बोला जल्दी बताओ ना तलवार छूटे जा रही। तब विभीषण बोले सुनो भैया का भैया भौजी का नाम न लिखा भैया भौजी का ना जवाब हाँ रासे रावण नाम तुम्हारा है कि नहीं है। रावण बोला या तो बात सही है और मासे ने रासे रावण नाम तुम्हारा और मासे मंदोदरी पुकारा और मासे भाभी का नाम है मंदोदरी। तो भाभी भैया का नाम ना ली तो की का नाम ली। रावण कहला बेरी 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 गुड गुड जपो खूब। इतना कह करके रावण बोला भैया खूब जपो डबल डबल लिख दियो डबल डबल लिखो दुई दुई दाएं लिखो वहा रंग से न रंगवाए दियो। देखो भैया आदेश मिल गया। ऐसे विभीषण जी रहते जैसे हनुमान जी राम का नाम उच्चारण किया तो देखा क्या सामने भवन तुलसी बिरवा आ जाओ पता लगा लो सिकवक द्वारे तुमका सब मिली तुलसक बिरवा नहीं मिली चाहे रोज लगावे रोज झुरा जे तुलसक बिरवा वह द्वारे मिली जी के द्वारे भगवान के भक्ति होती हुई तुलसक बिरवा वह द्वारे मिली। और अत्ता बड़ा गाँव है कोई घर है तो गिर ना कोई गले गवा भैया हमका ना कोई लय गवा ना कहूँ गई भाई के ना कोई बोला भाई की ना दो जना कहीं ऊपर चुपर उल्लुर फुल्लुर आओ बाबा ही बैठे हुए लेकिन जब देखे ना उल्लुर फुल्लुर कहें तो हम कहना ही जाब ठीक है अपने मड़ैया ठीक है मसान अच्छे कोई बात नहीं सब कोई सोई लो भैया तीन दार दिन हम नहीं सोई और कहा है लगा वह मोरटी न भैया अपन लड़का बच्चा ले बैठ रहे थे और कहा करे नहीं हम जागा बनावा करे थे रात भेड़ा सड़ा डराते हैं भैया की के घर जाए हैं? और भैया स्लेब नहीं डराए पान है देखो बन जाए तो छपरा उपरा हटा दिया यहाँ का स्लेब डरा लिया तो बरखा का आराम हो जाए है ना भैया। तो अब देखो भैया अत्ता बड़ा गांव इतना बड़ा गांव है चाहे जी के द्वारे हम कह ले चलो हम पहले दूर से बता दे अब की के द्वारे भगवान भजन होते और के द्वारे भगवान का नाम नहीं ले जात किसी के बन के चलो कोई की हो जाओ कोई का मानो यू हम नहीं कहे कि तुम मानो हमारा सुशील भैया है बरम्बावन विश्वास के है कोई शेरावाली पर विश्वास के है कोई काहे विश्वास के है कोई पर विश्वास करो किसी को विश्वास करो है ना किसी को मानना ही पड़ेगा। और कोई कर तो मन है परी हमारे सुशील भैया अपने गुरु जी का बहुत मानते तो हम कहा गुरु जी का तुम मानना गुरु जी हम रहो है ना तो किसी को मानना ही पड़ेगा। जब कोई का ना मानो तो तुम अपनी खाली औरत को मानो यहाँ है हमारी आए लक्ष्मी और यहाँ आए हमारे देवी और हम इनके अंध्याबा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेड़ा पाल लगाए दिया है हो किसी को मान के चलो किसी के हो के चलो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब
अत्ते जने अत्ता गांव है, कोई द्वारे नहीं गए, लेकिन चाह जी के द्वारे हम काले चलो, हम तुरंत बता दे कहा का है। द्वारे पर पहुंचो, तुलसी बिरवा लाग हो, बढ़िया गुलाब फूल खिले हो हैं, और कमरा के अंदर जाओ, जैसे बरामदा के अंदर जाओ, बढ़िया दुर्गा काली लक्ष्मी गौरा गणेश है ना, अच्छे अच्छे देवी देवतर के सब फोटो कैलेंडर लाग हैं, बढ़िया बढ़िया, तो तुम जान जाओ कि वो धार्मिक घर हुआ है। अन्य धार्मिक भले बाबा साहेब के फोटो लाग हुए, वो हमारे भारत के ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिन्होंने हम गरीबों को रहने का सहारा दिया। अब ले हम तुम कोई रिपोर्ट कराए जब कोई सुनैया रहे, कम से कम थाने के जाओ तो 100 नंबर घर रात आए तो रही है ना। अगर उनको फोटो लाग है तो यू ना समझो अंग्रेजी, यहाँ दरवाजे पर जाओ इत तक फोटो लाग है तो समझ लो यू धार्मिक घर वाबे करे, कोई केर बन कर रहे ना। और पता लाग हुआ भैया ना गौरा गणेश लक्ष्मी हनुमान दुर्गा शेरा वाली बाबा साहेब कोई फोटो नहीं, गौतम बुद्ध बाबा कोई फोटो नहीं, हुआ को टांगा है मालूम, अंडर बियर खाली पहरे हैं और ठाढ़िए रवीना टंडना, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, हेमा मालिनी, याग से आग ठाढ़ी हैं, हाईवे पावर वाली, तो जान जाओ कतना अंग्रेजी घर है। जब वो कैलेंडरन कपड़ा नहीं पहरे हैं, जब उनके इज्जत नहीं है, तो ये मैं घर में रहे वन की इज्जत कहाँ हुई है, जब उनके इज्जत नहीं, नहीं कपड़ा झापी नहीं झापी पुकती है अपन झपना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया आज भी ए हनुमान जी देखा कि तुलसी बिरवा ला, जब तुलसी बिरवा देखा तो हनुमान जी जान गए कि तुलसी बिरवा अवलंकम कहूँ तुलसी बिरवा रहे नहीं, विभीषण के गेट के सामने लगा है, क्योंकि विभीषण जी भगवान क्या भजन करत रहे, और विभीषण हनुमान जी तुरंत जान गए अगर धार्मिक घर न होत, धार्मिक अगर घर धार्मिक घर न होत तो तुलसी बिरवा न लाग होत, और तुलसी बिरवा न लाग होत भगवान के भजन न होत। और भैया हनुमान जी सोच के वह कहा जो कोई भगवान के प्रेमी हो, और प्रेमे हाल प्रेम के जान पे सब जान न पाई है प्रेमी का हाल होत है ना, प्रेम वह जान सके जो कोई प्रेमकीन हो, सबके औकातों ने जो परख ले। अब भगवान हनुमान जी सोच कहे किसे, तब तक है विभीषण ने दरवाजा खोल दिया, विभीषण ने जब दरवाजा का पल्ला खोल दिया, हनुमान जी को देखा विभीषण ने सोचा ये कौन है, आज तक ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। हनुमान जी को विभीषण ने इशारा किया अंदर आ, अंदर आओ, खुंडी बंद कर ली, अंदर आओ, अंदर आओ, जैसे इशारा कर लिया हनुमान जी महाराज भैया अंदर चले गए। अब बातचीत होने लगी, को तुम तात कहां ते आयो, को तुम तात कहां ते आयो, ताते कहां ते आयो, बड़ी भागी से दर्श दिखायो, सर जी पूछने लगे तुम कौन हो कहां से आयो, तो हनुमान जी पूरा बताया पता कि हम अंजनी के पूत हैं, राम जी के दूत हैं, अयोध्या से आए हैं माता की खबर लेने के लिए। विभीषण जी रोने लगे, विभीषण जी रोने लगे और कहा लाग अब जाए हमका भरोसा भवा है कि हाँ दुनिया में कोई भगवान हैं। अब मोहे भा भरोसु हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, किनो हरि कृपा मिले ना संता, आज विभीषण जी रोने लगे कि अब हमका भरोसा भा कि बिना भगवान की कृपा से ना तो कोई साधु मिली और ना तो कोई देवता मिली, ना कोई अच्छा आदमी मिली, जौन मिले हैं तब वह तरीके उल्टा पुलट मिले हैं, लेकिन जब अच्छा आदमी दिखाई पड़ जा रंजे तो जान लो या भगवान के
कृपाए बरसी भैया। तो इतनी बात जब कहा, अब हनुमान जी महाराज, विभीषण जी भैया, विभीषण महाराज और हनुमान जी का बड़ा सत्संग हुआ। विभीषण और हनुमान जी का सत्संग हुआ, आखिरी में हनुमान जी बोले विभीषण से, कहा कि हम माता जी का दर्शन करना चाहते। तो विभीषण ने देखो, सकल सफल विभीषण जुगुति बताई। विभीषण जी ने सारी युक्ति बता दिया। हनुमान जी से कहा, बजरंग बली, आप भगवान के सेवक हो, हम हो भगवान के सेवक हैं, और सीता के दर्शन ऐसे न पई हो। हाँ ऐसे नहीं पई हो, ये चक्कर मना रहे हो। हाँ यू बनके आए हो, ऐसे सीता के दर्शन न पई हो रंजीत। हाँ सीता के दर्शन पई हो कब? क्योंकि रावण सीता मैया को लंका में नहीं रखा, उसने लंका के बाहर रखा है। उसका नाम है अशोक वाटिका, और जनकपुर में रहा है पुष्प वाटिका। पुष्प माने होते फूल, और फूल माने होते हैं, अभी कहीं जवानी की जिंदगी कहा है फूल, फूल माने होते हैं बालापन। तो वहां रहा है जनकपुर में रहा है पुष्प वाटिका, और रावण के रे हुआ रहा है अशोक वाटिका। भैया बगिया दोनों हैं, तो सीता मैया मिले हैं काहे नहीं, जब रावण लंकम रखबे नहीं कि सुराखी से शोक वाटिकम। तो हनुमान जी कहला तो बढ़िया, वह बहरे बहर जाए कहूं खट देने मिल ले अब। लेकिन विभीषण कहला हुआ जाए ना पियो, हुआ बहुत लंबी गाड़ी लाग है, अगर बिना सुहाग की कौन्यू नारी, बिना सुहागवती कोई नारी वहां जा नहीं सकती, विधवा स्त्री नहीं जा सकत। पहले वह चेक करावे कि मांगम सिंदूर लाग है कि ऐसी बनुई है, पहले वह अपन आधार कार्ड दिखावे, आईडी है कि बिना आधार कार्ड, हिया चलो कोई बात नहीं है, बिना आधार कार्ड तुम लखनऊ जाओ भला विधानसभा में घुस जाओ, हम जाने आधार कार्ड वह जय दानी करी हो वही हो जय हो तय दाय दिखाई हो अल्लर वल्लर हो। अब अगर वो कहो धोखे में गिर गए पर्ची तो बड़ा हो जाए लफियाड़ा, निकल में दिक्कत हो जाओ, जाए तो दिक्कत है छोटे स्थान छोटे स्थान में चले जाओ, पीजीए के यहाँ जाओ, पीजीए में अगर तुम्हारे गेट पास वहीगा जान लो तो फंस गयो, दो चार सा घंटा छुट्टी होएगा जब बनवा पाओ, नहीं तुम्हारे मारी तड़फड़ान करी, क्योंकि बाहरी ये बड़े बड़े अस्पताल है भैया, और मैं दिक्कत खड़ी हो जाए, बिना आधार कार्ड और बिना गेट पास के जाना बड़ा मुश्किल है। लखनऊ क्या ये जगदीशपुर पड़ते है, जगदीशपुर माँ पूरे शहर की एक गेट है, लखनऊ कत्ता आजाद देश को न मिली, शहर न मिली, लखनऊ में चाहे घुस जाओ कुर्सी वर से, चाहे घुस जाओ चनहट वर से, और चाहे घुस जाओ मड़ियाओं वर से, चाहे घुस जाओ हरदोई वर से, लखनऊ में यहाँ इस शहर है कि चौगिरदा खुला है, चाहे जैसे जाओ चाहे जैसे थे आओ। लेकिन सब शहर में जो नहीं है, सब शहर में यहाँ जहाँ जैसे जो चाहे तैसे न जाइ हो, अपने क्षेत्र कत्ता कहूँ इलाका स्वच्छ नहीं है, अपने ईमानदारी बहुत है भाई, बहुत देशन में ईमानदारी खत्म हो चुकी है मेरे भैया। मैं आपको क्या बता रहा था, तो विभीषण जी बोले कि लंका में अगर कोई देवी तुमका सती कोई होए, माने वाली पतिव्रता, जो अपने मांग क्या सिंदूर दे दे, अब वो सिंदूर तुम पा जाओ तो सीतक दर्शन पर ही हो आओ। जो मांगे ना सिंदूर पई हो, बिना दर्शन के वापस जई हो, अगर सिंदूर ना पायो हनुमान जी तो सीता के दर्शन ना पाए हो, वैसे वापस हो परी। विभीषण से हनुमान जी बोले, अच्छा दादा आप ही बताओ, हनुमान जी विभीषण के हैं भाई। अब हनुमान जी बोले, दादा यो बताओ लंका में है सती है कौन, भाई के त्रिजाव हम। तो विभीषण जी कहला, वैसे तो सती बहुती है, लेकिन जो सबसे बड़ी सती है, सबसे सुंदर सती है, और सबसे बड़ी सती है, वैसे सती सब हैं,
लेकिन जो सती है सबसे पहली सती, सुनो, लंका में वैसे सती बहु रही और प्रथम सुलोचन का पद आई। लंका में सती बहुती है लेकिन सुलोचना कति कौनी पति व्रता नहीं। जब कहा सुलोचना कति कोई पति व्रता नहीं तो हनुमान जी महाराज बोले अच्छा ठीक है, विभीषण से कहा हम जा रहे हैं सुलोचना के भवन। ए आज हनुमान जी चलते चलते सुलोचना के भवन पहुंच गए। सुलोचना मैया बैठी थी, हनुमान जी गए डायरेक्ट सुलोचना के भवन घुस गए। सुलोचना ने हनुमान जी को पूछा कौन हो, कहां चले आ रहे हो धक धका, तनको डर नहीं है, कौन हो आखिर। हनुमान जी ने पूरी बात बताया, हम लंका अयोध्या से आए हैं, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम जी का दूत हूँ, अंजनी का पूत हूँ, अयोध्या से भेजा गया हूँ। सुलोचना ने कहा तो हुआ भेजे गयो हुआ तो कहा हमारे घर में स्कूल खुला जो घुसा चले आ रहे हो, है न जान न पहचान न आधार कार्ड ना एडी, भाई चले आए हो जान जे का जीजा था तुमको मुहर्त मत भाई भात कोई दिया पक्का पाई जो कहूँ मुँह मुँह फुलाई तुम्हार बरौवा करी कभी दरावा कर हार लेके भाग बनाए। ए भैया जब इतना कहा भैया तो अब सुलोचना ने कहा कि तो हिया काहे आयो, तो हनुमान जी बोल पड़े, हनुमान जी बोल पड़े मैया एक काम करो, बोले बाजरंगी मैया ओ, बोले बाजरंगी मैया मानो मोरी बतिया हो, मानो मोरी बतिया, दे देव मंगिया को सुहाग मैया मानो बतिया, दे दियो मंगिया को सुहाग मैया मानो बतिया। का दई दे तो मंगिया के रो सुहाग मैया दई दे तो से बोले मैया मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, अगर माता जी का दर्शन नहीं पाऊंगा तो मेरा सारा काम व्यर्थ जाएगा, इसलिए वहां का शब्द ये है कि सुलो बिगर सिंदूर सुहागवती नारी कोई जाती नहीं। सुलोचना ने अनुमान लगाया, क्या तब हे सती अनुमान लगावा, सती मैया सुलोचना ने अनुमान लगाया, ए हमार तुम्हार रिश्तेदारी बिरादरी हो चाहे ना हो, खाली हमार तुम्हार तरु रिश्तेदारी रिश्तेदारी भीड़त हो तो तुम्हारे दया आई, गलत बताए खाली तुम्हार रिश्ते तुम्हार मतलब हम तुम अलग हल देखौटी में अलग हल, बाकी अगर देखा जाए तो जौने सूर्य के ताप तुम खाते हो वह सूर्य के भैया गर्मी हम हो लेते हैं, जौन हवा अब जैसे बैठन अब अलग अलग हुए तो अब जब जौन हवा चलते है तो वह हवा तुमरे लागत है पहले बाद में लागत है हमरे है? तो वहाँ हवा तुमरे लागत वहाँ हवा हमरे लागत, जौन खाना तुमरे बंद वहाँ खाना हमरे बंद, जौन बोलता हमरे तौन बोलता तुमरे, बदला कुछ नहीं है। कहा का मतलब यू है कि लेकिन जो रिक्वेस्ट बनी है दुनिया भैया यू अंधकार परी है तो ठीक है, लेकिन भैया अगर हमार तुम्हारी रिश्तेदारी तुम्हारी रिश्तेदारी हमारी हो हुए गांव के रजरे और जान पाओ कि यार हमरे साढ़ू के रे बिटिया खुआ इनकी नातेदारी है
तो वही के जरिए से हमार तुम्हार लगाओ बन जी बन जाई। बिरादरी स्नेह मतलब है केवल लगाओ। हिया गांव में है जैसे है परिवार वाला प्यार हो, लखनऊ मिल जाओ मोहल्ले वाला मिल जाए बहुत प्यार, और बाहर मिल जाओ तो गांव क्या रहो कितना प्यार, और विदेश हम निकल जाओ तो ए जिला क्या रहो है, और जो कहूँ दुबई सुबई में हो तो यू कोई बता दे कि हम हुआ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आए हैं तो देख लो कितना कटती कब कहते नहीं हम